घाट के शाहीन बाग से हाजिर हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं किस तरीके से काफी तादाद में महिलाएं अपना धरना प्रदर्शन दे रही है और यहाँ शाहीन बाग खुला घाट का आज उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में कि किस तरीके से खचा खच पूरा भरा हुआ है किला घाट का शाहीन बाग। अनिश्चितकालीन पे धरना में बैठे हुए महिलाओं की मदद के लिए वॉलेंटियर्स का भी उपलब्धि कराया गया हुआ है। वॉलेंटियर्स यहाँ मौजूद रहते हैं, व्यक्तित्व भाषाओं से व्याख्यान कर रही है किस तरीके से हम एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वॉलेंटियर्स यहाँ उपलब्ध है। वॉलेंटियर्स जो भी धरना पे लगातार बैठे हुए हैं उनको डब्बा दे रही है खाने के लिए, पानी का व्यवस्था है। काफी तादाद में महिलाएं अपने घर से चल कर करके आकर के इस धरना में शामिल होकर करके अपना एनआरसी का लेकर करके विरोध दे रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस सब चीज को लेकर एनआरसी वो नहीं है। और कल के दरभंगा बंद का भी समर्थन किया गया है और यहाँ बोला गया है कि हम अपने मांग को शांतिपूर्वक ढंग से कल को भारत बंद को सफल बनाएंगे और अपना योगदान देंगे। धरना पे आइए, आइए उनसे बात करते हैं कि आज कैसा दिन है धरना का। आज 11 दिन है वर्मा का, इतने बड़े 11 दिन है किला घाट में। हम लोग 11 दिन से परेशान खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कुछ आ रहा है, सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है। इतनी परेशान से हो रहा है सब महिलाएं, अपना घर द्वार छोड़ के यहाँ आ गए। बहुत अच्छा लगा था पिछले दिन। क्या परेशानी आपको हो रही है? सरकार किस तरीके से एनआरसी हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पे किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज अनिश्चितकालीन धरना किला घाट का 11वां दिन है और आप लोगों के बीच किला घाट की सरजमी पे हमारी माँ बहने बूढ़े बुजुर्ग नौजवान सारे लोग इस अनिश्चितकालीन धरना का हिस्सा है। बस हम लोगों का मकसद यही है जो केंद्र सरकार ने लाया है इस काले कानून के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और केंद्र सरकार जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लेगी हम लोगों का आंदोलन, हम लोगों का विरोध ऐसा ही चलता रहेगा। ये संदेश देना चाहते हैं दरभंगा की सरजमी किला घाट से कि इस केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस ले, जितना जल्द वापस लेगी जब तक वापस नहीं लेगी तब तक हम लोगों का आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। और आज देख ली आजादी के बाद पहली बार देश की महिलाओं ने बच्चों ने मोर्चा संभाल रखा है, बच्चियों ने मोर्चा संभाल रखा है। वैसे देश के दुश्मनों के लिए जो देश के दुश्मन बनकर आज देश को चला रहे हैं, अब वो रगेद के मारते हैं जो एकता अखंडता की देश में एकता अखंडता है विश्वास करने वाले लोग हैं, गंगा जमुना को तहजीब को मानने वाले लोग हैं, देश की मोहब्बत में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को तोड़ने का काम जो केंद्र सरकार कर रही है उसके खिलाफ आज हम लोग लगातार हमारी माँ बहन धरने पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना होगा अन्यथा हम लोगों का आंदोलन ऐसे चलता रहेगा। जो भारत बंद है उसका समर्थन आप लोग किए हैं, हमारा जो विरोध है भारत बंद में संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान पूरी तरीके से इस भारत बंद को कामयाब बनाने के लिए पूरी शक्ति पूरी ताकत और पूरी सुरक्षा के साथ और साथ रहेगी
और इस भारत को सुमन करेंगे। और साथ में मैं आप लोगों के माध्यम से अपने नौजवान युवाओं को कहना चाहूंगा कि देश की संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे, शांतिपूर्वक शांतिपूर्ण तरीके से इस भारत बंद को हम लोग सफल बनाएंगे। बोली बोली बेटे क्या आप सरकार से मांग कर रहे हैं, कुछ बताइए उसके बारे में। सरकार से मांग कर रही है काला कानून बाबू अच्छी बात नहीं। हम लोग किसी देश के बात यही पैदा हुए, हम लोग कुछ देना चाह रहे हैं, हम लोग को दिक्कत क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश के किसी भी शख्स को देश से बाहर नहीं किया जाएगा, इसको आप कैसे देखते हैं। किसी भी शख्स को बाहर नहीं जाएगा तो फिर ये लेके क्यों आना है, ऐसे वापस को लेकर लिखा है तो फिर लेके क्यों आना है। अगर इनको वापस करना है सभी आदमी को लेके कानून लाए हैं किसी एक व्यक्ति को वापस करने के लिए। उनका वो सीधे कह रहे हैं ना कि किसी भी शख्स को बाहर नहीं लिया जाएगा, जो हिंदुस्तानी है वो हिंदुस्तान में रहेंगे। बाहर से कुछ लोग अल्पसंख्यक हैं जो जिनको प्रताड़ना की जा रही है उनको सिखलाया जाएगा। पहले से भी कानून खिलाने का, पहले से कानून खिलाने का। सरकार से आप क्या मांग करती है कि जल्द से जल्द एनआरसी वापस करें, एनआरसी वापस लें, एमपीआर वापस। क्या नाम हुआ आपका? रोशन सिंह। कैवा दिन है आप लोग का आज धरना का? 11वां दिन है। प्रशासन के तरफ से आप लोग की सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किया गया है? कोई इंतजाम नहीं किया गया है। खुले में रहा पूरा दिन, पूरी रात रहती हूं मैं, 12 बजे के बाद ही कुछ लोग जाते कुछ लोग रहते भी यहाँ पे।
सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक स्टेप नहीं लिया जा रहा है इसको लेकर के, उसके लेकर के आप क्या सचेत कीजिएगा? जिला प्रशासन से अभी तक कोई नहीं आया। 3 हफ्तों बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगा, क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? बैठे हुए हैं, 4 हफ्ता लिए हैं, अगर कुछ 4 हफ्ते निकल नहीं करते हैं तो फिर हम लोग बैठे ही रहेंगे, चाहे 6 महीना हो, साल हो, जितना साल बैठे ही रहेंगे। अमित शाह का बयान आया है कि 1 इंच भी नहीं लेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? हम लोग भी तो आधा इंच नहीं लेंगे, वो खुद अपने पैर थकते तो अपने आप सरकार से क्या मांग रहे हैं? सरकार से बस यही मांग रहे हैं कि हमारे जो एनआरसी है, एनपीआर है, सीए जो बिल लगाया गया मेरे देश के बड़े हिंदुस्तान में, ये बिल्कुल मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट है। ये चीज नहीं है, मांगा जा रहा है, ये प्रूफ हम लोग कैसे देंगे? तो हम लोग को सरकार को ये नहीं पता कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारे जो 4 पुरुष जो भी हमारे बड़ों से बड़े बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपने खून पसीने से उसमें आजाद किया हिंदुस्तान को, तो क्या इसी दिन के लिए किया ऐसा होगा? नहीं, सरकार का कहना है कि कुछ घुसपैठी इस देश में घुस गए हैं, उनको निकालने के लिए बस किया। घुसपैठी को नहीं है, घुसपैठी कौन है? हम लोग घुसपैठी है। अमित शाह कहते हैं सीए का आइडियोलॉजी समझिए, आप क्या इस पे तर्क कीजिएगा? अमित शाह कुछार कहते हैं, हमारे मोदी जी कुछार कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक अमित शाह जो बोलते हैं तो मोदी जी को बोलते हैं कुछ इशारा सहन कर लेते हैं, मतलब वो खुद नहीं एक्सेप्ट करते हैं कि ये क्या बिल्कुल झूठ। अमित शाह जो बोल रहे हैं तो मोदी जी बोलते हैं जाके ये बिल्कुल सारा गलत है, कुछ नहीं है, झूठ है, झूठ है, लेकिन आपको खुद नहीं पता है कि मतलब ये सच है या गलत है, लेकिन आप जनता हमारी माँ बहने यहाँ देखिए 11वां दिन आके धरना का 11वां दिन है, हमारी इतनी ठंड में आके नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश का कोई भी शख्स उनको हम बाहर नहीं जाने देंगे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी तो ये तो बोलते ही, मोदी जी अमित शाह दोनों पहले एक तरह से पहले बैठते, मोदी जी कुछ बोलते हैं, अमित शाह कुछ बोलते हैं। अमित शाह बोलते हैं एनआरसी लाके रहेंगे, मोदी जी बोलते हैं एनआरसी नहीं लाएंगे। उसकी कार्रवाई चल रही है, एनपीआर तो पहले लागू, एनपीआर जो पहले लागू हुआ एनपीआर में भी हम लोग को डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, हम लोग का सैलाब आता है, डॉक्यूमेंट तो पूरा खत्म है, हम लोग के पास कहाँ से डॉक्यूमेंट आए? हम लोग अपने लिए ही नहीं लगा, गरीब लोग जनता है उसके लिए भी लग रहे हैं। अपने दादा दादी कहाँ से दूंगा? सरकार इस पे सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है, ना संशोधन के बारे में बोल रही है, सरकार बोल रही है हम 1 इंच भी नहीं पीछे हटेंगे, सुप्रीम कोर्ट बोले हैं कि 4 हफ्तों में इस पे सुनवाई किया जाएगा, तो इसको लेकर के आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? हम लोग आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, वो सरकार अगर बोल रही है कि 1 इंच हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग आधा इंच पीछे नहीं हटने को तैयार है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, 4 हफ्ते टाइम दिया गया, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? 4 हफ्ते में फैसला दें, फैसला हम लोग के हम इतने हितने आके मिले आके बोले कहेंगे तो अपने किसी को सरकार को यहाँ पर किसी को भेजे तो हम लोग से बात तो करें, तुम बात करेंगे तभी तो पता चलेगा, निकलेगा वो बैठे हुए हैं, समय तो तुम्हारो तुम तो मारो, तुम धरना दो तो दो काम तो की जुई नहीं रहती है, समझे? बैठे भेजे तो अपने किसी प्रशासन को भेजे देखने के लिए, वो सिर्फ टीवी पर बैठ के बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ते रहते हैं, समझा? बैठ के तो देखे करते रहते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात करते हैं? नीतीश कुमार जी 500 में औरतें बिक रही हैं, 700 में बिक रहे हैं, अरे मोदी जी 500-700 में एक रोज अपनी माँ को तो लाइन में लगा के नोटबंदी के टाइम में आज तो बैठा अपनी माँ को आज बैठा दो ना, सब पता चलेगा उनको। हम लोग मोदी का जिताया था यही के लिए, अब मोदी जी क्या सच बोलते हैं क्या झूठ के लिए? क्या बोले आप पांडिपीर से बोलेंगे आप? हम जो मोदी जी के बैठाए थे यही दिन देखने के लिए कि अच्छा सुधार के लिए, अच्छा दिन के लिए, सस्ता के लिए कि महंगाई के लिए, विद्यार्थी सब के लिए भी परेशानी, नोटबंदी करो, पैसा नहीं लगता है, गरीबों के जान मारो, कि का धंधा निकाल दिया है मोदी, कोई चलने वाला नहीं है, एकदम नहीं चलने वाला है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। अभी जो नया कानून लाया गया उस पर आप क्या बताते हैं? हम बताते एनआरसी वापस लो, एनपीआर भी वापस लो, हम लोग जैसे रहते थे उसी का हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान भाई भाई मिल के रहेंगे।
जाएंगे, चलने वाला नहीं है मोदी के जासूसी। क्या नाम हुआ आंटी? ये रोम खाती है। हम तो यही मोदी जी से कहेंगे एनआरसी सीएए ये सब अपना वापस ले। मोदी जी झूठ मूस का हम लोग को परेशान कर रहे हैं। हम लोग रोड पर अपने इसके लिए बैठे हुए हैं। मोदी जी हम लोग का मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि मर्द लोग बाहर बैठा हुआ है, लेडीज लोग को भेजा है मैदान में। इस तरह का मोदी जी हम लोग मुसलमान औरतों का अफवाह को अफवाह उड़ा रहे। हम लोग ऐसे नहीं है कि 500 क्या, मोदी जी हजार रुपया भी देंगे ना तो हम लोग जाने वाले में से नहीं। हम लोग अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हम यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं। और मोदी जी हम लोग को झूठ फूस को फंसा करके कि 500 रुपया में मुसलमान की औरतें बिकती है। क्या मोदी जी की औरतें ऐसे बिकती है? पैसा पर तभी ना ऐसा सवाल हम लोग का उठाते हैं। नहीं, कहीं कहीं का वीडियो देखा गया है, जैसा की सत्यापित नहीं है, उसका सत्यापन तो नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं देखा गया कि लोग रैली से निकल रहे और पैसा लेते हैं, तो इस पे नहीं, 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 वो उनका खुद आदमी होगा, वो खुद आदमी को तैयार किया होगा। तब जाके हम मुसलमान औरतों को बदनाम कर रहे हैं, हालांकि हम लोग ऐसे नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी सरासर झूठ बोलते हैं, उनको झूठ के अलावा कुछ ऐबे नहीं करता। मोदी जी बिल्कुल वैसे हैं जैसे हाथी की दांत, दिखाने के कुछ खाने के कुछ, वैसा ही मोदी जी। मोदी जी ने बोला कि आप लोग 500 रुपया लेते हैं। एक रुपया नहीं, हालांकि हम लोग पैसा खुद यहाँ गिराते हैं, डब्बा रखा हुआ है, वो देख सकते हैं। हम लोग खुद उसमें पैसा डालते हैं, हम लोग खुद मदद करते हैं। हम लोग क्या लेंगे 500 रुपया में बिकेंगे? हम लोग बिकने वालों में से नहीं है। पैसा लूट करके मोदी जी सोचते हैं क्या कि हम जैसे वोट को खरीदते हैं ना पैसा दे देकर, वो उसी तरीके से वो आंटी आप लोगों के पास भी आएंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे, पहले इनका बात सुन लीजिए। हम बस यही चाहते हैं कि मोदी जी जो कुछ भी लागू किए हैं वो अपना वापस ले ले, हम लोग शांति से अपने अपने घर चले जाएंगे। हम लोग को मोदी जी से कोई विरोध नहीं, यही सब लेकर के हम लोग मोदी जी से विरोध करेंगे।